ये देखिए, हम आपके लिए फिर से लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताएंगे। और हमने ये चोली जो पहले से ही बना के रखी है, ये वीडियो हमने अपलोड कर दी है अपने चैनल में। ये देखिए, चोली की वीडियो हमने आपके लिए अपलोड कर दी है। हम आपका इसका नीचे का घेरा बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की आपको ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये जो ड्रेस हम आपको बता रहे हैं, ये दो से तीन नंबर कान्हा जी के लिए है। ये दो नंबर कान्हा जी के लिए हम आपको बता रहे हैं ड्रेस। और इसकी चोली हमने बना करके बताई हुई है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं इसका घेरा बना करके बताऊंगी आपको। सबसे पहले ये देखिए, हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। दो फंदे तो हम उल्टे ही बना लेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे घेरे में दो फंदे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद हमने धागा अपनी तरफ ही रखना है। और देखिए, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो हमने जाली डालते हुए हर फंदे में से फंदा बढ़ाना है इस तरह से। जाली डालते हुए मैं हर फंदे में से फंदा यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ, ये देखिए। बिल्कुल आसान है ये। इसी तरह से हम हर फंदे से फंदा बढ़ा लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि मैंने यहाँ पे फंदे से फंदा बढ़ा लिया है। सीधी सिलाई हमारी हो चुकी है, हम उल्टी सिलाई पे हैं। उल्टी सिलाई पे हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। पूरी सिलाई हमने उल्टी ही बना लेनी है इस तरह से, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उल्टी सिलाई हो चुकी है। अब ये देखिए, यहाँ पे फिर से हम पहला फंदा उतारे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे, ये देखिए, फिर से हमने एक दो तीन, तीन फंदे बनाने के बाद हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे 60 फंदे बढ़ा चुके हैं। फिर से हमने एक, जितना बड़ा आपको घेरा चाहिए इसके उस हिसाब से आप इसमें फंदे बढ़ा सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं तीन फंदे बनाने के बाद यहाँ पे फिर से एक एक फंदा और बढ़ा लेती हूँ इस तरह से। तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाया, एक दो तीन। इसके बाद हम धागा अपनी तरफ करके फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। मैं इसका काफी बड़ा घेरा बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हम इसी तरह से पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट करते हैं। दो तीन, जाली भी डल जाएगी और हमारा यहाँ पे फंदा भी बढ़ चुकेगा। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 70 फंदे हो चुके हैं घेरे में। ये देखिए, काफ़ी बड़ा घेरा बनाया है इसका हमने। यहाँ पे एक सिलाई पे
हर फंदे से फंदा बढ़ाया था। ये देखिए जाली डल रही है, ये देखिए इस तरह से इसमें आप डोरी भी डाल सकते हैं। और ऊपर हमने तीन फंदे बनाने के बाद एक जाली डाली हुई है, तो यहाँ पे ये 70 फंदे हो चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम पूरी सिलाई को तीन फंदे बना लिए, सीधी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम सीधी बनाते हुए जाएंगे इस तरह से, और उल्टी तरफ से हमने वाइट कलर को लगाना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई को बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 70 फंदे हैं और हमने सीधी सिलाई को सीधा एक बना लिया है फंदा बढ़ाने के बाद। ये देखिए अब यहाँ से हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे, और वाइट कलर की हम दोनों तरफ से उल्टी सिलाइयाँ डालेंगे। दो सिलाइयाँ हमने डालनी हैं, यानी कि दोनों तरफ की चार सिलाइयाँ। घेरे में आप कोई भी इसमें कलर लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं दो सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से हमने ये दो दो सिलाइयाँ डाल दी हैं दोनों कलर से। इसी तरह से इसका घेरा बनाना है। ये देखिए, तो चलिए हम बना लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ड्रेस को बना के कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए मैंने छह सिलाइयाँ बना ली हैं, दो दो चार दो छह, उल्टी उल्टी छह सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए ये काफ़ी सुंदर बन गई है ये ड्रेस। ये देखिए और काफ़ी बड़ा इसका घेरा बन गया है, ये देखिए बिल्कुल। और पीछे आप हुक के बटन कुछ भी इसमें लगा सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल को आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान तरीके से हमने इसको बना लिया है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हुक के या बटन कुछ भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। तो आज की ड्रेस आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।